वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, माय नेम इज सुमित और आज हम बात करने वाले हैं अपने दोस्तों की। वीकेंड का टाइम, कुछ दोस्त बैठे थे, 4 से 8 हुए और 8 से बना गोवा। और जब आपके 8 मजेदार दोस्त हो आपके साथ और आप हो गोवा में, तो गोवा बन जाता है। पहले हम गोवा में पहुंचे बागा बीच में, जहां हमने होटल बुक किया था विवा बागा। होटल में स्टे करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, सेम डे हम निकल चुके थे बागा बीच की तरफ। सो ये है ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी विवा बागा, जिसमें हम लोगों ने स्टे किया है। आउटसाइड से अगर आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी है। अब भाई बागा बीच जाएंगे तो समंदर में तो जाएंगे ना, तो हम लोग गए समंदर में, क्योंकि सी हमारी थी प्रायोरिटी, क्योंकि हमारा मोटिव बस एक था, गोवा मतलब बीच, बीच मतलब गोवा, गोवा मतलब बीच। सो इट्स अमेजिंग टाइम इन बागा बीच, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अल्टीमेट डे 1 इन गोवा इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने बीच में टाइम स्पेंड किया, दोबारा रूम में आए, सो गए, क्योंकि हमें देखनी थी गोवा की नाइट लाइफ, थोड़ी हमने वो इन्जॉय करी और उसके बाद वापस हम अपने होटल पर चले गए। होटल था काफ़ी अच्छा, रीजनेबल प्राइस के साथ साथ वेली फॉर मनी होटल, होटल विवा बागा, जो कि बागा बीच के काफ़ी पास है। सो डे 2 हमारा प्लान बना डॉल्फिन राइड का। मेरा फ्रेंड किशोर, जो कि पहले भी डॉल्फिन राइड पर गया है, हमने प्लान किया कि हम जाएंगे डॉल्फिन राइड पर, डॉल्फिन देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जाएंगे सिंकेरियम बीच। सो अभी हम लोग आ गए हैं डॉल्फिन राइड पे, इसके लिए 300 पर यहाँ पे राइड है एंड मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। सिंकेरियम बीच वॉज अमेजिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच इन गोवा। काफ़ी सुकून वाला है, मतलब भीड़ भड़ाका नहीं है। कालंगढ़ में जैसे इतनी भीड़ रहती है, सिंकेरियम में इतनी भीड़ नहीं है एंड अमेजिंग व्यू देख लीजिए। अल्टीमेट बहुत सॉलिड व्यू है इस समय, आप भी फील कर पा रहे होंगे, ऑब्वियसली लेंस के थ्रू देख नहीं पाएगा कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बट अमेजिंग है बॉय। गोवा के अंदर अगर आप आए हैं और आपने सी फूड ट्राई नहीं किया है, तो गोवा में आने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा फूड खाना हो तो फैट फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन गोवा, जो कि आपको वन ऑफ द बेस्ट सी फूड प्रोवाइड कराता है गोवा के अंदर। तो उस रात हम लोग गए फैट फिश, जो कि हाईली रिकमेंड किया हमें गोवान्स पीपल। सो राइट नाउ अभी हम सब लोग आ गए हैं फैट फिश में अपना डिनर एंजॉय करने के लिए। तो अभी जो हम फूड ऑर्डर करेंगे, जो खाएंगे, उसको आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट डे हमने प्लान किया जाने का साउथ गोवा, क्योंकि वहाँ हमने घूमना था गोवा म्यूजियम एंड गोवा चर्च। अभी दोस्तों हमें ओल्ड गोवा के अंदर, और मेरे राइट साइड पे है चर्च और लेफ्ट साइड पे है म्यूजियम, दोनों को करते हैं एक्सप्लोर और आपको दिखाते हैं। आते बारी हम लोगों ने थोड़ा सा पणजिम घूमा। पणजिम में एक फेमस म्यूजियम है, जो कि काफ़ी मूवीज़ के लिए फेमस है, वो ये वाला है।
ये वाला। तो गाइस अभी हम हैं पणजिम में, और पणजिम में आपको ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी सारी मूवी की यादें ताज़ा हो जाएंगी, वो है मुझसे शादी करोगी एंड आपकी सिम्बा। तो ये देखिए, अब भाई अगर आपका लास्ट डे हो गोवा में और आपने अभी तक फोर्ट नहीं घूमे हैं तो फिर मज़ा ही क्या। जी हाँ, हमने एक्सप्लोर किए दो बीच, एक था एगोडा और एक था चपोरा बीच। चपोरा बीच वो बीच है जहाँ मूवी दिल चाहता है शूट हुई थी। दिल चाहता है का बहुत फेमस गाना दिल चाहता है इसी के ऊपर बेस है। हमने भी इस वीडियो को रिक्रिएट करने की कोशिश करी अपने दोस्तों के साथ। लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दिख जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा मेरे उसी वीडियो पर जाएंगे जिसका नाम टाइटल है दिल चाहता है इन गोवा। सो राइट नाउ वी आर इन फोर्ट अगोडा, आइए इसे करते हैं एक्सप्लोर। तो वी आर करेंटली एट द मिड ऑफ चपोरा बीच, चपोरा फोर्ट, एंड ये काफ़ी हाइट पे है और थोड़ा चलने के बाद ही लोग थक गए हैं। काफ़ी ऊपर है यार ये चपोरा फोर्ट आपका, सांस फूल गए सीरियसली। अभी हम पहुंच गए बिल्कुल टॉप पे, बट ट्रस्ट मी गाइस वर्थ है, वर्थ कमिंग, वर्थ पेन लेना वर्थ है। अभी आपको फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ। फाइनली जब आपके पास लास्ट के कुछ घंटे बचते हों तो आपका मन करेगा कि आप सनसेट जरूर देखें और बीच में वापस जाएं। तो लास्ट के कुछ आवर्स हमने फिर बिताए बागा बीच पे, सिटिंग रिलैक्स, बॉडी मसाज जो कि गोवा के अंदर मस्ट है। बीचेस में बैठ के, शैक में बैठ के आपने बॉडी मसाज नहीं लिया तो आप गोवा गए ही। After that, हमारा गोवा ट्रिप वो ओवर एंड वी आर बैक इन दिल्ली। पॉल्यूशन के बीच वापस, थोड़ा सा तबीयत खराब ही हुआ वापस आते ही क्योंकि गोवा में साथ बड़ा फ्रेश एयर, एवरीथिंग इज नाइस। दिल्ली में आते ही दोबारा हालत खराब, बैक टू वर्क, बट वी एंजॉय गोवा।